वेलकम टू इन्फो सिक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो एंड इसका स्टेटमेंट कैसे आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आप स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हो। स्टेटमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड लॉगिन। नीचे एक ऑप्शन है, देखिए क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, आपके CRN नंबर एंड आपके डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो टोटल अमाउंट कितना ड्यू है एंड मिनिमम अमाउंट कितना ड्यू है एंड यहाँ पे स्टेटमेंट डेट, स्टेटमेंट पीरियड सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है करंट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, आप ये भी चेक कर सकते हो। नीचे जो ऑप्शन है अनबिल्ड ट्रांजेक्शन डिटेल्स, वहाँ पर आप आपका फुल मंथ यूजेस डिटेल्स चेक कर सकते हो। आप ये देख सकते हो नीचे ये फुल डिटेल्स यहाँ पे है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बिल कैसे पेमेंट करना है। तो बिल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद सर्च करना होगा कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। सर्च करने के बाद देखिए सबसे पहले एक वेबसाइट आ गया है कोटक पेनेट बिल्डेक्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर देना होगा, आपकी ईमेल एड्रेस देना होगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा एंड आपके जो ड्यू अमाउंट है वो आपको देना होगा। देने के बाद यहाँ से आप बैंक सिलेक्ट कर लीजिए जिस बैंक का नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से ICICI बैंक सिलेक्ट कर लिया है, तो आप देख सकते हो ICICI बैंक के नेट बैंकिंग से मैंने पेमेंट कर दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुली एंड ये फिर से कोटक महिंद्रा बैंक में रिडायरेक्ट हो गया है एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है सक्सेस। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल इन्फोसिस को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए।